आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और ये लोग अभी जंतर मंतर फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्रिस्टी रियांग है, अगरतला से आया हूँ, त्रिपुरा से, TWF ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पे काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे, क्या किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पर मौजूद है, 2000 से ज़्यादा लोग है यहाँ पर और हमारा मौजूद है जो हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, सेपरेट स्टेट खुद के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का 100 साल से ज़्यादा हमारा राजा लोग ने रूल किया जाता है पहले, लेकिन हम लोग ना डिप्राइव करके, हमारा भी स्कूल नहीं है, नो रोड है, इलेक्ट्रिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए एक घर में 2-3 लोग मर जाती है, अच्छे ज़्यादा अच्छा नहीं है, पानी भी नहीं है, इसीलिए खराब पानी पी के मलेरिया हो जाती है, इसीलिए हम लोग ये मांग करके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए कि मोदी की ये आवाज़ सुनना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर आप लोग एक अलग स्टेट मिल जाता है तो जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगा? हाँ, हम लोग अगर सेपरेट स्टेट मिल जाते हैं तो हम लोग का अच्छा होगा, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, इसीलिए हम लोग पूरा यकीन है जो सेपरेट स्टेट को मिलने के बाद हम लोग पूरा संरक्षित रहेगा और हमारा लैंग्वेज भी संरक्षित रहेगा। क्या लगता है कि आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, उसको भी कहीं ना ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, यही तो बात है, हम लोग ने मांग है त्रिपुरा लोगों को मांग है हम लोग रोमांचक के लिए होने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट नहीं चाहिए ये लोग, इसलिए हम लोगों का लैंग्वेज भी खतरनाक में अभी है। तो त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है, आप उसको फिर से आप बांटने की कोशिश करें, नहीं लगता कि आप बहुत छोटे हो जाएंगे उससे? नहीं, ज़्यादा ये तो सोचा नहीं होगा, हम लोग का तो डेवलपमेंट नहीं है ना, इसलिए तो हम लोग सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं। मान लीजिए आपका डेवलपमेंट नहीं है तो आप सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि आप मेरे विकास के लिए काम करें, मेरे डेवलपमेंट के लिए काम करें, लेकिन अलग राज्य का दर्जा क्यों? अलग राज्य का ये है हमारा त्रिपुरा लोगों को, यही तो बात है, ये पहले ये इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमारा त्रिपुरा लोगों को डिप्राइव कर किया जाता है ना, इसीलिए तो हम लोग सेपरेट स्टेट ही चाहिए। तो क्या आपने वहाँ की जो सरकार है उनसे बात किया, या जो केंद्र सरकार है उनसे बात किया, इस चीज़ को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा आपसे? नहीं किया, पहले भी ये किया, हम गवर्नमेंट स्टेट ने तो ये नहीं बोल रहा, ये हमारा सेपरेट स्टेट की डिमांड वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो लोग 2018 में बोल रहे हैं ये सबका साथ सबका विकास, इसे करके हम लोग त्रिपुरा इंडिजिनियस तो एक पार्टी है IPFT करके, हम लोग यह कॉम्प्रोमाइज़ करके ये देगा इसे बोला, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अभी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हम लोग मांग रहे हैं। आप त्रिपुरा से अलग होकर एक क्या नाम देना चाह रहे हो राज्य का? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, तो उसमें जो आप लोग का एक अलग जिस ये है समुदाय है, आपकी जो भाषा है वो अलग मांग कर रहे हैं उनके साथ में? हम लोगों का त्रिपुरा है, इसीलिए हमारा त्रिपुरा लैंग्वेज है। जी, आपका सवाल जो है वो दिल्ली में दो एक बात ऐसे, छोटा सा देश तो है, 10,469 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, आप गोवा से मान लीजिए, साधारण पकड़ लीजिए गोवा को, कितना है हम लोग का TTADC है 6,132 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, गोवा से तो ज़्यादा भरा ही है, क्योंकि हम लोग का जो बहन ने बोला भाषा खतरे में है, हम लोग का पहली बात तो ये है 182 किंग रूल करके किया, ठीक है, मेन बात तो ये मुगल से गैर इंग्रेज तो वहाँ शासन नहीं कर पाए, बात सुन लो, 2018 में BJP सरकार जो आई है बनी है, IPFT वहाँ का जो रीजनल पार्टी आंचलिक पार्टी का साथ मिलकर के एकजुट होकर उन लोग का डिमांड था, उन लोग भी त्रिपुरा लैंड का डिमांड था, ठीक है, अभी उन लोग का डिमांड करना बंद कर दिया, क्योंकि नेता मिनिस्टर बन गया, उन लोग जनता अपने आप छोड़ दिया उन लोग को, ये जो हम लोग का राजा है त्रिपुरा मोथा, 2 महीना का सरकार है, 2 महीना कहीं इंडिया में सुना आप लोगों को 2 महीने में सरकार बनाया, TTADC में 2 महीने का सरकार, ये एकदम फुल एंड फाइनल बात है, ये सब अचानक है, प्रदीप जी का 2 महीने में सरकार कैसे बन गया, ये कोई थंसा यूनिटी महाराज यही बोला था, किसी का खिलाफ नहीं है, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम, वहाँ त्रिपुरा में जाइए 500 साल पहले वहाँ मस्जिद बना हुआ, किसी का खिलाफ नहीं है, हम लोग जो महाराज लोग थे,
यही है, क्योंकि हम लोग अभी माइनॉरिटी हो चुका है, 31% में आ चुका है, 90% से तो जाएगा कहाँ हम लोग। 2026 से फिर डिलिमिटेशन है, उसमें तो कट पार होगा ना पैसा। अभी 20 सीटें हम लोग का, ठीक है, 60 सीट में से 20 सीटें, 17 हो गया था, अभी फिर 3 लाया, वो 3 लाने के बाद अभी 20 सीट में चल रहा है हम लोग का STC। मान लीजिए हम लोग का कितना खतरा है, हम लोग का आइडेंटिटी, हम लोग का भाषा, वही बोलना चाहता था। जी हाँ, मेन पॉइंट तो आप यही पूछा, अलग स्टेट की डेमोक्रेसी में कहाँ जाएगा हम लोग, मेन बात तो है डेमोक्रेसी में कहाँ जाएगा हम लोग। अलग स्टेट मांगने के बजाय कुछ रास्ता ही नहीं बचा, और अब ऑलरेडी TTADC है, उसमें कोई पावर नहीं है हम लोग का, कुछ पावर ही नहीं है हम लोग का, उसमें कुछ पावर ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, घाट नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अपना जगह अपना मिट्टी में रहेगा, अपना इतना वन एक रोल करके किया, उसमें आप धीरे 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 माइनॉरिटी हो रहा है, बाद में क्या होगा। जी बिल्कुल वही, लेकिन तो अभी बोलो ना आपको, 2 महीने का सरकार है, 2 महीना, 2 महीना सिर्फ, 2 महीने में बनी है TTADC में सरकार बनी है, त्रिपुरा मोर्चा जी, कहीं नहीं हिंदुस्तान में, जो भी बोलो अभी रूलिंग सरकार में तो BJP सरकार ना, उसका 2008 में उसको मैन्युफैक्चर बहुत कुछ दिया था, 340 रेगा होगा, 2000 भत्ता, ठीक है, और 7 पे कमीशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ, लेकिन अब कुछ इम्प्लॉय नहीं हो रहा, वही बात, इसी का डिमांड चलते हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अपना खुद के पैरों में खड़ा होना चाहता है। बहुत शुक्रिया, तो ये देखिए और एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी सुनेगी या नहीं सुनेगी, हालांकि ये लोग अभी जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखें।